भारत माता की सब गुब्बारे छोड़ दो ऊपर, सब गुब्बारे छोड़ दो ऊपर, भारत माता की गुब्बारे छोड़ दो ऊपर, सब गुब्बारे छोड़ दो ऊपर। अब 5 मिनट आप बोलेंगे नहीं, 5 मिनट बोलेंगे नहीं। अगर आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं जोर से, बोलना नहीं। मलेश्वर के स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे मेरे भाइयों बहनों, आज जन आशीर्वाद यात्रा को इतनी बड़ी संख्या में ऊपर बाइक बंद करा देना था बोले कोई भी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने जिस प्रकार से पूर्ण दिया मुझे प्यार, आपके प्रयास का धन्यवाद और आभार। आज आपके यहाँ के नेता, चाहे वो ओमकार सिंह हो, चाहे नायक सिंह सैनी हो, चाहे कन्या लोकसभा से संजय भाटिया हो, चाहे हमारे मंत्री कृष्ण देवी हो, आज बहुत से नेता हमारी यात्रा में अपने साथ चल रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व आज आपके बीच में आया है और इसका हेतु जैसा 2014 में हरियाणा की जनता ने बनाई और पूरी लगन से 5 साल तक हमने विकास के काम कराए, जनता की सेवा की, सेना सुलभ किया, समाज में बहुत प्रकार के परिवर्तन हमने किए। हमने कोई विचार नहीं किया कि इस इलाके से MLA कौन है, जहाँ बीजेपी का विधायक है हमने वहां भी अपने काम कराए, और तिहवा जैसा एरिया जहाँ बीजेपी का विधायक नहीं बन पाया वहां भी हमने उतने ही काम कराए, बल्कि ज्यादा कराया, वो कम नहीं कराए। हमने जनता की सेवा की, हमने मानो दूर नहीं जाओ तो इसी नेशनल हाईवे की बात ले लो, अंबाला से लेकर राजगढ़ तक स्वयं प्रधानमंत्री आए, नितिन गडकरी आए, उन्होंने शिलान्यास किया और ये उद्घाटन लायक का पूरा मार्ग छोटा मोटा बता है वो पूरा करके उधर कैमरे में आ जाएगा, हरियाणा के बीचों बीच निकल रहा है, इस विधानसभा को इसका संसद वाला आ रहा है और इसका इस्माइलाबाद हो चाहे पूरा हो, दोनों के बाईपास शहर के बाहर से या तो शहर के लोगों को जाना हो, आने जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको भी दिक्कत ना हो। हमने कई स्कूल अपग्रेड कराए, गांव गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए और आपके जीवन को सुविधा लाने के लिए प्रयास प्रयास सब गांव के अंदर अटल सेवा केंद्र, ग्राम सचिवालय, पार्क और व्यायामशालाएं, हमने इन सब बातों पर ध्यान दिया। नौजवानों के रोजगार के लिए भी प्राइवेट उद्योग, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है प्राइवेट उद्योग में, और 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां शुद्ध मेरिट पर, कोई फर्की नहीं, कोई फर्की नहीं, हमने योग्यता के आधार पर ये काम किया है। जब योग्यता पर काम किया जाता है तो समस्याएं नहीं आती, अब समस्याएं नहीं आती है। आखिर हम तो जिस इलाके में रहते हैं, मां भारत का इलाका, मां भारत की युद्ध का इलाका, दुर्क्षेत्र का इलाका, अगर सारे फैसले उस समय राजा कुरु ने योग्यता के आधार पर किए होते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मां भारत का युद्ध नहीं होता। अगर उस समय भी महिलाओं का, बेटियों का सम्मान जितना आज हम करना चाह रहे हैं हम करते हैं, ये महिलाओं का मान सम्मान उस समय होता तो महाभारत नहीं होती।
आखिर हमने इतिहास से बहुत सीख ली हुई है। कांग्रेस काल में भी ये सब चीजें गायब थी, भ्रष्टाचार करने का उनका तरीका, उनका हेतु होता था अपने घर को करना, अपने बेटे बेटियां पुत्र पोतिया नाते नातियां अपने भतीजे साले जीजे इनके घर को कैसे भरा जाए, अपने घर को सीमित और तरीका भ्रष्टाचार तरीका पॉलिसी में ऐसे ऐसे डिसीजन लेना जो उनके अपने हित में हो। वो कहते हैं ना, बांटे रेवड़िया फिर अपने अपने को दे, कौन बांटे कौन बांटे, आप कह रहे हैं मैंने नहीं कहा है, हम तो पहचान है कि हमने हर रेवड़िया अपने घर में बांटी है, लेकिन हम भी अपने परिवार के शुभ चिंतक हैं। अंतर क्या है, उन्होंने परिवार चार दीवारी में माता पिता के जन्मे उनके रिश्तेदार उनको परिवार माना, हमने हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता इसको परिवार माना भाई ने इसको इस परिवार के हित के लिए सब काम कर रहे हैं। आपको यदि लगे कि हमने अच्छे काम 5 साल किए तो पता है कि ये 5 साल का कार्यकाल लोकतंत्र में इसकी सीमा होती है, ये 5 साल का जो सेवा का संघर्ष का जो आपकी जनसेवा के लिए हमने काम किए उसका लाइसेंस 2 महीने बाद हमारा एक्सपायर हो रहा है। अब रिन्यू करने की ताकत किसके पास है, जनता के पास। आप चाहे तो इस लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं, बोले रिन्यू करना चाहेंगे, रिन्यू करना चाहेंगे, जोर से बोलेंगे भारत माता की। पीछे की गाड़ी में पाओ, पीछे की गाड़ी में पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। की बार 75 का आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। अब की बार फिर एक बार मनोहर सरकार, फिर एक बार संदीप स्वामी संदीप ओंकार जी।